वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नोस्ट्रोमो की समरी। नोस्ट्रोमो एक नॉवल है जो कि पॉलिश ब्रिटिश ऑथर जोसेफ कॉनराड द्वारा लिखा गया था एंड ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1904 में। सो ये नॉवल जो सेट है, ये नॉवल सेट है एक फिक्शियस कंट्री फिक्शियस कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री जिसका नाम है कोस्टागुआना। और ज़्यादा स्पेसिफिकली बोलूँ तो कोस्टागुआना में एक पोर्ट सिटी है जिसका नाम है सुलाको। तो ये कहानी सुलाको की है। तो ये कहानी में, इस कहानी में जो कोस्टागुआना है बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन से गुज़र रहा है, बहुत वॉर हो रहा है, बहुत ज़्यादा जैसे वॉर का माहौल है और बहुत ख़राब माहौल है इस कंट्री का इकोनॉमिकली, और बहुत बैकवर्ड है और बहुत ज़्यादा शांति नहीं है, पीस बिल्कुल भी नहीं है इस कंट्री में कोस्टागुआना, जो एक फिक्शनल कंट्री है। सो इसमें जो है, ये रियल में जो फिक्शनल कंट्री है, ये बहुत ज़्यादा जिस ज्योग्राफी जैसे इस नॉवल में डिस्क्राइब करी गई है, तो वो ज्योग्राफी रियल लाइफ कोलंबिया से बहुत ज़्यादा मैच करती है। ठीक है, जो इसकी ज्योग्राफी है कोस्टागुआना की जैसे उसमें डिस्क्राइब है, तो बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है रियल लाइफ कोलंबिया को। तो कोस्टागुआना जो एक कंट्री है, उसकी बहुत ज़्यादा बहुत लंबी हिस्ट्री है जिसमें बहुत रेवोल्यूशन हुए, बहुत वॉर हुए, और इस कंट्री में अभी फ़िलहाल बहुत इंस्टेबिलिटी आई है। अभी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी, बहुत वॉर था, रेवोल्यूशन था, लेकिन अभी इस कंट्री में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है। और इसके बारे में, इसमें स्टोरी पे पहले जाने से पहले मैं आपको कैरेक्टर्स समझा देती हूँ। कैस सेटिंग्स तो मैंने आपको पहले बता दी कि नोस्ट्रोमो सेट है एक फिक्शियस साउथ अमेरिकन कंट्री कोस्टागुआना, और मोर स्पेसिफिकली जो पोर्ट सिटी है सुलाको में। और इसमें आपको मेनली 6 कैरेक्टर्स ध्यान रखने होंगे, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स है, बहुत कन्फ्यूजिंग नॉवल है, तो आपको मेनली 6 कैरेक्टर्स पर ध्यान देना है। क्योंकि जो स्टोरी है नोस्ट्रोमो, ये इसका जो मेन कैरेक्टर है वो नोस्ट्रोमो है। तो नोस्ट्रोमो का जो रियल नेम है वो है जियोवैनी बतिस्ता फिडेंजा, तो ये इसका रियल नेम है, और नोस्ट्रोमो हमारा मेन कैरेक्टर है। जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो चार्ल्स गोल्ड है। तो चार्ल्स गोल्ड जो है सिल्वर माइन ओन करता है सुलाको में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है चार्ल्स गोल्ड। ये सिल्वर माइन सुलाको में, इसकी सिल्वर माइन है और ये बहुत ज़्यादा रिच है, और ये थोड़ा सा अमेरिकन डिसेंट लैटिन, थोड़ा सा ये जो है ना, ये नेटिव कोस्टागुआना में ही रहता है, लेकिन इसकी थोड़ी जो एंसेस्ट्री है वो इंग्लिश है, यानी इसके बाप दादा या परदादा इंग्लिश होंगे, लेकिन ये अब कोस्टागुआना में ही रहता है, तो ये कोस्टागुआना का ही है, लेकिन इसकी थोड़ी सी इंग्लिश एंसेस्ट्री है, और ये सिल्वर माइन ओन करता है सुलाको में। नंबर 3 डॉन विसेंटे रिबीरिया, ये प्रेसिडेंट है कोस्टागुआना की, और अभी कोस्टागुआना में इन्हीं का राज चलता है, यही प्रेसिडेंट है, यही इलेक्ट होके आए हैं, तो इन्हीं की वजह से अभी कोस्टागुआना में काफ़ी स्टेबिलिटी आ गई है। पहले इंस्टेबिलिटी थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया रेवोल्यूशन वॉर की वजह से, लेकिन जब से रिबीरिया, जो डॉन विसेंटे रिबीरिया यहाँ के प्रेसिडेंट बने कोस्टागुआना के, तो बहुत स्टेबिलिटी आ गई है। 4th कैरेक्टर है जर्नल मोंटेरो। तो जर्नल मोंटेरो जो है वो पहले सपोर्ट करते थे रिबीरिया को, ठीक, पहले वो रिबीरिया को सपोर्ट करते थे, वो पहले रिबीरिया, जो रिबीरिया है जो प्रेसिडेंट है, उसके वॉर मिनिस्टर थे, ठीक है, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो अगेंस्ट हो गए रिबीरिया की, और अब वो एक ऐसा मिशन चलाते हैं जिससे कि वो रिबीरिया को उठा के, मतलब रिबीरिया को पावर से हटा दें, और वो एक मिशन चलाते हैं और रिवॉल्ट करते हैं रिबीरिया की अगेंस्ट, और भी अपने सारे साथियों को लेके जनरल मोंटेरो अगेंस्ट है डॉन विसेंटे रिबीरिया के, रिबीरिया गवर्नमेंट की वो अगेंस्ट है। और 5th कैरेक्टर है मार्टिन डिकाउंट, जो कि यंग जर्नलिस्ट है। ये इसने बहुत ख़राब चीज़ें लिखी हैं जर्नल मोंटेरो के लिए, तो इस न्यूज़पेपर में लिखी हैं, तो इसकी ज़िंदगी को थोड़ा सा ख़तरा है जर्नल मोंटेरो से, क्योंकि इसने उनके बारे में बहुत अलग चीज़ें लिखी हैं, ख़राब चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि जर्नल मोंटेरो रिबीरिया गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं, तो उनके बारे में, मोंटेरो के बारे में मार्टिन डिकाउंट ने बहुत कुछ लिखा है, जिसकी वजह से उसकी जान को थोड़ा सा ख़तरा है। नंबर 6 कैरेक्टर है जियोर्जिया वियोला। सो जियोर्जिया वियोला फ्रेंड है नोस्ट्रोमो के, क्योंकि नोस्ट्रोमो ने एक बार इनकी जान बचाई थी एक वॉर में, जियोर्जिया वियोला की फैमिली की जान बचाई थी, और जियोर्जिया वियोला की जान बचाई थी, तो इसलिए ये फ्रेंड है नोस्ट्रोमो के, और ये एक एग्जाइल इटालियन रिवॉल्यूशनरी हैं, और इन्होंने
बहुत ज़्यादा फाइट्स भी करी हैं, वॉर्स में हिस्सा भी लिया है, और इनकी दो बेटियां हैं, लिंडा वियोला और गिसेला वियोला। सो लिंडा वियोला से जो नोस्ट्रोमो है वो इंगेज्ड है, ठीक है, नोस्ट्रोमो इंगेज है इनकी बड़ी बेटी लिंडा वियोला से, और सेकंड बेटी से इनका नोस्ट्रोमो का अफेयर है एक गिसेला वियोला से, मतलब बड़ी बेटी जो है एल्डर बेटी लिंडा वियोला उससे तो इसका इंगेजमेंट है नोस्ट्रोमो का, एंड जो छोटी बेटी है गिसेला वियोला इससे इसका अफेयर है। तो हम स्टोरी शुरू करते हैं। तो स्टोरी जो हमारी शुरू होती है नोस्ट्रोमो कोस्टा गुआना की कहानी है, और कोस्टा गुआना में मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा एक ऐसी हिस्ट्री है जो बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन से भरी है, वॉर से भरी है, इंस्टेबिलिटी थी, लेकिन अब स्टेबिलिटी आई है क्योंकि अब जो डिक्टेटर रिबेरिया है, जो प्रेसिडेंट है वहाँ का, प्रेसिडेंट रिबेरिया बन चुका है, तो थोड़ी स्टेबिलिटी है। अब जो चार्ल्स गोल्ड है जो कि सिल्वर माइन ओन करता है सुलाको में, इसने सोचा, इसकी सिल्वर माइन पहले इतनी अच्छे नहीं चलती थी, इसके पिता चलाते थे, जो इसके पिता से वो सिल्वर माइन अच्छे से नहीं चलती थी, तो इसके पिता ने उसको कहा था कि तुम ये सिल्वर माइन बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी और तुम भी रहने दो इसे मरने से पहले, इसके पिता मर चुके हैं। तो चार्ल्स गोल्ड क्योंकि एक आइडियलिस्ट है, ये ना जो भी सोच लेता है वो करके ही रहता है, जो ठान लेता है वो करके रहता है, तो इसने सोचा अगर मैं इस सिल्वर माइन को मैं चला के रहूँगा, तो इसने बोला कि अगर मैं सिल्वर माइन चलाऊँगा तो आसपास के लोगों को काम मिलेगा और इकोनॉमिकली ये एरिया बहुत स्ट्रांग बन जाएगा, ठीक। तो सुलाको में है इसकी पोर्ट, जो कोस्टा गुआना में एक छोटा सा पोर्ट सिटी है सुलाको, तो वहाँ पर इसकी सिल्वर माइन है, तो उसने सोचा अगर मैं सिल्वर माइन मैं काम शुरू करूंगा और ये अगर सक्सेसफुल होगी तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी हमारी सुलाको में। तो इसने सिल्वर माइन शुरू करी और सिल्वर माइन बहुत अच्छे से चलने लग गई और बहुत ज़्यादा लोगों को काम मिला और बहुत स्टेबिलिटी आ गई सुलाको में, तो इसलिए इसने इसका फ़ायदा उठाया। इसने ये भी सोचा था कि अगर स्टेबिलिटी आएगी तो थोड़ा हमारी जो जो सुलाको है और हमारा जो आसपास का एरिया है बेहतर हो जाएगा, इतना वॉर नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी, करप्शन कम होगा और लोग बेहतर जी पाएंगे। स्टेबिलिटी लाने के लिए, कंट्री में अच्छा लाने के लिए उसने सोचा कि मैं थोड़ा पैसा भी दूंगा प्रेसिडेंट रिबेरिया को ताकि वो कंट्री थोड़ी बेहतर कर सके। तो अब इसने क्या किया, चार्ल्स गोल्ड की सिल्वर माइन बहुत अच्छे से चलने लग गई और इसने सपोर्ट करना शुरू कर दिया रिबेरिया को, रिबेरिया जो कि प्रेसिडेंट है कोस्टा गुआना का, इसने सपोर्ट करना शुरू कर दिया ताकि उनकी गवर्नमेंट और मजबूत होती चली जाए और स्टेबल होती चली जाए। अब ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा खिलाता था चार्ल्स गोल्ड रिबेरिया को, और रिबेरिया जो गवर्नमेंट थी वो लोगों को बहुत ज़्यादा थोड़ा नुकसान पहुंचाने लग गई, या फिर ट्रैनी मिस रूल करने लग गई। शुरुआत में ये अच्छी थी लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा डिक्टेटर्स बन गए जो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करने लग गई, और बाहर से लोग पैसा आता था, बाहर से लोग आते थे और इन पे राज करते थे और इनको इतना पैसा नहीं देते थे और खुद ज़्यादा पैसा रखते थे, और इसी तरीके से जो कोस्टा गुआना है फिर से दोबारा से ख़राब हो गया। अब जो जनरल मोंटेरो थे जो मैंने आपको पहले बताया, वो वॉर मिनिस्टर थे रिबेरिया के यहाँ, लेकिन बाद में इन्हें अच्छा नहीं लगा रिबेरिया का ये जो एजेंडा था कि ये लोगों को, पुअर लोगों को बहुत परेशान कर रहा था, तो इन्होंने उस चीज़ को, उसकी नौकरी को छोड़ दिया और वो रिबेरिया को अगेंस्ट हो गया, और इसने बहुत सारे लोग बुलाए मिलाए और इसने एक रिवोल्यूशन, एक मिशन शुरू कर दिया जिससे वो रिबेरिया को उठा के फेंक दें और उसे राजगद्दी से, पावर से हटा दें। तो इन्होंने रिवोल्यूशन कर दिया, रेवोल्यूशनरी फोर्सेस अपने साथ मिलके, और ये मुद्दा और एक एजेंडा बना लिया कि हम रिबेरिया को उठा के यहाँ कोस्टा गुआना से फेंक देंगे और इसको पावर से हटा देंगे। तो ऐसे ही बहुत सारा चीज़ें शुरू हो गई। तो अब जो रिबेरिया, जो चार्ल्स गोल्ड था, अब बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन बहुत बड़े पैमाने पे होने लगा। तो अब जो चार्ल्स गोल्ड को ये खतरा था कि जो रेवोल्यूशनरी जो लोग हैं वो आके इन लोगों का जो पैसा है, जो सिल्वर माइन है, वो लूट लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोग पावर में आ गए थे और जनरल मोंटेरो के साथ बहुत ज़्यादा लोग थे। तो इसलिए उस डर के कारण जो चार्ल्स गोल्ड ने नोस्ट्रोमो को बुलाया और बोला कि तुम मेरी जो सिल्वर माइन में से जितना भी सिल्वर है ये बाहर पहुंचा दो ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में इसे बेच सकें। तो थोड़ा सा मैं आपको नोस्ट्रोमो के बारे में बता देती हूँ, मैंने आपको नहीं बताया था कि नोस्ट्रोमो, अब जो हम स्टोरी बीच में यहाँ आ गई है, तो नोस्ट्रोमो कौन है? नोस्ट्रोमो एक ऐसा कैरेक्टर है जो लोगों को बहुत पसंद करता है, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। जो नोस्ट्रोमो है, नोस्ट्रोमो का रियल नेम है जियोवैनी बतिस्ता फिटजेंजा, तो एक
चेरिजमेटिक इटालियन सीमैन है, ये सीमैन है जो कि सुलाको में रहता है और इसने इतनी अच्छी रेपुटेशन बना ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा लीडरशिप है इसमें और बहुत डेयरिंग है और हमेशा ना लोगों की मदद करता है और हमेशा लोगों के लिए खड़ा रहता है, तो लोग इसे बहुत ज़्यादा एज अ हीरो मानते हैं, ठीक है। और ये एक ओशियानिक स्टीम नेविगेशन कंपनी में एम्प्लॉय है, ठीक है। इसकी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ की वजह से इसको एक टाइटल मिला है, अनऑफिशियल से टाइटल लोग इसे बुलाते हैं कैप, ये जो इटालियन में लिखा है ये टाइटल, जिसका नाम होता है हेड लॉन्ग शोरमैन, कि इसे हेड बुलाते हैं। और इसकी कुछ क्वालिटीज़ है कि इनकरप्टेबल है, इसे ये करप्ट नहीं है, इसे कोई पैसे दे के करप्ट नहीं कर सकता, ये बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत अच्छा इंसान है और बहुत ब्रेव भी है, हमेशा हमेशा समय समय पे इसने लोगों की मदद की है, वॉर्स में मदद की है, इसलिए लोगों के दिल में इसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है और लोगों के दिलों पे ये राज करता है नोस्ट्रोमो। और नोस्ट्रोमो का मतलब क्या होता है, जो मतलब है, मीनिंग है नोस्ट्रोमो का, इटालियन में मतलब होता है इसका शिपमेट, ये शिपमेट मतलब होता है। और इसका एक और मतलब होता है नोस्ट्रोमो, इसका मतलब होता है आरमैन, हमारा इंसान, ठीक है। और जो नोस्ट्रोमो का जो रियल नेम है, ये तो उसे प्यार से एक इटालियन फ्रेज दे दिया है नोस्ट्रोमो, क्योंकि हमारा इंसान हाँ आरमैन, लेकिन उसका जो रियल नेम है जियोवैनी बतिस्ता फिडजेंजा, तो फिडेंजा मतलब होता है ट्रस्ट, तो ट्रस्टफुल बहुत ज़्यादा इंसान है, तो इसे हमें पता चलता है। तो इसीलिए जो वो है चार्ल्स गोल्ड ने इसको काम दिया है कि उसकी सिल्वर माइन की जो जितनी भी सिल्वर है, ये सिल्वर बोट में भर के या जैसे भी भर के ये कोस्टा गुआना से बाहर निकाल के इसे इंटरनेशनल मार्केट में भेज दे, क्योंकि अगर ये रिवॉल्यूशनरी लोगों के हाथ में लग गया तो वो सारा बेच देंगे और इसके पर उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए चार्ल्स गोल्ड ने ये काम दिया है। और चार्ल्स गोल्ड ने उसको एक और काम दिया है कि वो मार्टिन डिकाउंट को सेफली कोस्टा गुआना से बाहर निकाल दे, क्योंकि उसकी जान खतरे में है, उसने बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें लिखी हैं जनरल मोंटेरो के बारे में जो ये रेवोल्यूशन चला रहे हैं। अगर जनरल मोंटेरो पावर में आ गए तो मार्टिन डिकाउंट को बहुत सज़ा हो सकती है, हो सकता है फांसी की सज़ा हो जाए, कुछ और सज़ा हो जाए, इसीलिए उसको चार्ल्स गोल्ड ये आदेश देता है नोस्ट्रोमो को कि उसका सिल्वर और मार्टिन डिकॉन को सेफली कोस्टा गुआना से बाहर निकाल दे। तो अब नोस्ट्रोमो ये काम नोस्ट्रोमो ये टास्क पूरा करता है और पानी के रास्ते सिल्वर और मार्टिन डिकॉन को एक ग्रेट इजाबेल एक आइलैंड होता है वो वहाँ पे पहुँचा देता है। तो ग्रेट इजाबेल एक आइलैंड पड़ता है क्योंकि वो पानी के रास्ते जाता है, तो एक आइलैंड पड़ता है ग्रेट इजाबेल, तो वहाँ पे वो सिल्वर और मार्टिन डिकॉन्ट को उतारता है और वो लोग सिल्वर को छुपा देते हैं और मार्टिन डिकॉन्ट को वो एक शिप एक लाइफ बोट देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी आए तो तुम ये लाइफ बोट लेके चले जाना और अपनी जान बचा लेना। और फिर वो वापस जो नोस्ट्रोमो है वो वापस कोस्टा गुआना आता है और वो दोबारा से ही हेल्प करता है जो रेवोल्यूशनरीज़ जो बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरीज़ हाई हो जाते हैं, तो वो डॉन विसेंटी रिबीरिया को और भी जितने भी लोग होते हैं उनको बचाने में मदद करता है, उनको सेफली वो बाहर निकाल देता है और सेफली उनको कहीं और निकाल देता है और उनको बचा लेता है। और इसी वक्त क्योंकि वो लोग रिबीरिया लोग भाग जाते हैं सब, तो यहाँ पे कोई नहीं रहता, तो रिवोल्यूशनरीज़ होते हैं और फिर आज़ाद हो जाता है जो हमारा ये ऑक्सीडेंटल प्रोविंस था, तो वो ऑक्सीडेंटल रिपब्लिक अब ये रिपब्लिक हो जाता है और ये आज़ाद हो जाता है क्योंकि रिबीरिया और जो भी गवर्नमेंट थी रिबीरिया की वो भाग जाते हैं। तो अब ये बहुत खुश होता है और आज़ादी मिल जाती है इन सबको। लेकिन होता क्या है, जब ये नोस्ट्रोमो फिर उधर जो जिसको वो छोड़ के आया था मार्टिन डिकॉन को, तो मार्टिन डिकॉन उस आइलैंड पे रहते रहते बहुत बोर हो जाता है और उसे सोचता है कि मेरे पास लाइफ बोट है, तो वो लेके जाता है और अनफॉर्चुनेटली वो डूब के वहाँ पे मर जाता है। और वो थोड़ा सा थोड़ा सा सिल्वर भी लेता है और वो सिल्वर भी डूब जाता है और वो भी डूब जाता है। वो सोचता है मैं कहीं चला जाऊँ, लेकिन वो शिप एक्चुअली लाइफ बोट डूब जाती है और वो मर जाता है। अब इधर जो नोस्ट्रोमो है ये आज़ादी इसने दिला दी है रिबीरिया को, जो डिक्टेटर्स थे उनको मतलब सही सुरक्षित पहुंचा दिया था, जहां उसे पहुंचाना था उनको सेफली पहुंचा देता है और इसमें आज़ादी आ जाती है। लेकिन जो नोस्ट्रोमो अब चार्ल्स गोल्ड को कहता है कि एक्चुअली जो सिल्वर था वो खो गया था या कहीं डूब गया, उसे लगता है नोस्ट्रोमो को कि जो सिल्वर है वो सारा उसने ले लिया था वही मार्टिन डिकॉन ने, अब सिल्वर कोई बचा नहीं है। तो लेकिन इस बात से चार्ल्स गोल्ड बहुत गुस्सा होता है और नोस्ट्रोमो को जो हक जो देना होता है वो नहीं देता है, जो भी पैसे वगैरह जो बात
चीट हुई होती है वो नहीं देता है, तो नॉस्ट्रोमो को बहुत गुस्सा आता है, उसे ऐसा लगता है कि उसे चीट किया गया, उसे ऐसा लगता है कि वो गरीबों की सॉरी अमीरों के हाथ की कठपुतली है नॉस्ट्रोमो, और उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसने लॉयली वो जो काम किया जो उसे दिया गया था, लेकिन फिर भी उसे उसका मेहनताना नहीं मिला, उसको प्रॉफिट नहीं मिला, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है चार्ल्स गोल्ड पे और सारे अमीरों पे कि इन लोगों ने मुझे धोखा दिया और मुझे मेरा हक नहीं दिया। अब वो ऐसे ही कभी जाता है उस इसाबेल आइलैंड पे, तो उसे देखने के लिए जहाँ उसने छुपाया था तो उसको वो बहुत ज़्यादा सोना मिल सिल्वर मिलता है सॉरी, तो वो सोचता है कि अच्छा वो सारा नहीं ले गया था, ये बचा हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब मैं क्या करूँगा, ये सिल्वर मैं ही अपना बेचूँगा, और मैं क्योंकि उसने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, मुझे धोखा दिया, तो मैं इसी का सिल्वर खूब इस्तेमाल करूँगा। अब क्या होता है कि वो आइलैंड जो होता है ग्रेट इसाबेल आइलैंड, क्योंकि अब ये आज़ाद हो चुका है कोस्टा गुआना, तो वहाँ पे जो आइलैंड है तो सी की देखभाल के लिए एक लाइट हाउस बनाया जाता है, ठीक लाइट हाउस बनाया जाता है ताकि सरहदों पे या सी पे नज़र रख सके कि कौन आ रहा है, कौन इनफिल्टर तो नहीं कर रहा कोई हमारे देश में। तो ऐसे ही ये प्रस्ताव रखा जाता है कि लाइट हाउस बनाएंगे ग्रेट इसाबेल पे। अब ये सोचता है नॉस्ट्रोमो कि मैं अगर लाइट हाउस बन गया तो मैं वहाँ जाके मैं सिल्वर कैसे लेके आऊँगा, अगर लाइट हाउस होगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा और मैं रोज़ रोज़ उस आइलैंड पे नहीं जा पाऊँगा सिल्वर चुराने के लिए जो मैंने वहाँ जमा करके रखा है, क्योंकि वो लाता था और बेच देता था अपने पास ला के रख लेता था, ठीक है सिल्वर थोड़ा थोड़ा ला के अपने पास बेच दिया करता था और पैसे कमाता था। तो उसने सोचा मैं क्या करूँ, तो उसने क्या करा, जो जॉर्जिया वियोला जो उसके फैमिली फ्रेंड्स थे जिनकी उसने एक बार जान बचाई थी वॉर में, तो ये उनको उस लाइट हाउस में केयर टेकर रख देता है ताकि ये आना जाना कर सके उस आइलैंड पे, क्योंकि बड़ी वाली लिंडा वियोला से इसकी इंगेजमेंट हो गई होती है नॉस्ट्रोमो की, और छोटी वाली बेटी गिसेला वियोला से ये अफेयर था इसका, तो ये आता जाता रहता था उस आइलैंड पे, तो इसे कोई कुछ कहता नहीं था क्योंकि ऑफकोर्स इंगेजमेंट है तो कोई कुछ कहेगा नहीं, कोई शक नहीं करेगा इस पर, तो ये ऐसे ही जाता था और थोड़ा थोड़ा सिल्वर ला के ऐसे ही बेचा करता था अपने पास और पैसे कमाया करता था। तो एक बार क्या हुआ कि ये ऐसे ही गया था सिल्वर लेने, और जियोर्जिया वियोला तो बूढ़े ही थे, उन्हें लगा कोई कोई और इंसान है और उन्होंने गलती से इसको नॉस्ट्रोमो को शूट कर दिया, तो इन्हें उस नॉस्ट्रोमो मतलब जो जियोर्जिया वियोला था उन्हें लगा कोई और इंसान होगा, वो बूढ़े थे वो अंधेरे में नहीं देख पाए और गलती से नॉस्ट्रोमो की मौत हो गई गोली लगने से। तो ये हमारी नॉवल यहीं पर ख़त्म होती है, आई होप आपको पसंद आई होगी, एंड अगर आप चाहते हैं प्लीज़ बता दिया करिए मुझे कि आपको कैसी लगती है, कोई कमी है तो प्लीज़ कमेंट में बता दिया करिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और प्लीज़ शेयर करिए वीडियो को, एंड कोई भी कमेंट में अगर आप चाहते हैं मैं किसी और वीडियो बनाऊँ किसी और पर्टिकुलर नॉवल पे प्रोज पे पोम पे, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए एंड प्लीज़ बहुत सारे लाइक करिए और शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड टिल देन टेक केयर, बाय।